जी, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग अभी जारी है हमारी। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने देख लिया कि अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस ना हो ओपनिंग या क्लोजिंग, तो फिर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। सेकंड नंबर पर हमने देखा था कि अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो तो फिर कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड में हमने कहा था कि अच्छा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो तो फिर किस तरह से कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होती है। फाइनली अब हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है उसके एंड पे बाज उत्पाद मल्टीपल प्रोडक्ट्स आउट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप ये इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो लेट्स से ये वो पॉइंट है विच इज कॉल्ड सर जी। सर इससे पहले एक क्यूरीज करवा दें। जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद देखते हैं कि जी आपकी प्रोसेस में से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने ले ली हैं, जो हम वो प्रोसेस कॉस्टिंग में टी अकाउंट बना के आउटपुट लेते हैं, तो नॉर्मली प्रोसेस कॉस्टिंग में आउटपुट पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं। कुछ आपकी इंटेंडेड प्रोडक्ट होती हैं एक से ज्यादा, ठीक है, यानी आप बाकायदा से इंटेंशन के साथ वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप कैलकुलेट करते हैं कि आप बकायदा सोचते हैं कि यार मैं ये प्रोडक्ट जो है ये कैलकुलेट करूंगा, है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप तो दूसरे नंबर पे आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बन जाती हैं जो एक्चुअली आप चाह भी नहीं होते हैं लेकिन वो बन जाते हैं। जो तो प्रोडक्ट्स आप इंटेंशनली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, और जो हम इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन बाय द वे वो भी साथ बन जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द बाय प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम जमीन से तेल निकालते हैं, जमीन से जब हम तेल निकालते हैं तो हम ऑयल इंटेंशनली निकाल रहे हैं, पेट्रोल डीजल गैस ये चीजें वो हैं जो कि एक प्रोसेस से जॉइंटली निकल आती हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो उसमें से जो बिल्कुल एट द एंड पे रॉ फॉर्म बच जाती है उन चीजों की, रॉ मटेरियल बच जाता है, ठीक है, उससे आपकी ग्रीस भी निकल आती है। बल्कि ग्रीस के अलावा बाजू का एक जो इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए साबुन यूज होता है काला साबुन वो तक पड़ता है। तो मसला ये है कि आप जमीन से जब ऑयल निकालते हैं तो वो काला साबुन बनाने के लिए तो नहीं निकालते, वो ऐसी चीज है जो एक्चुअली आपके प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, आप ये नहीं बनाना चाह रहे हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, फर्नीचर। आप जब लकड़ी रॉ फॉर्म में उठा के उससे फर्नीचर तैयार करते हैं तो एक्चुअली उससे जो बुरादा निकलता है वो भी मे बी आपके किसी काम आ जाए, लेकिन आप वो लकड़ी बुरादा लेने के लिए तो नहीं लकड़ी काट रहे होते, तो जो जॉइंट प्रोडक्ट है वो तो फर्नीचर है, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा बुरादा निकल आता है वो अगर कहीं इस्तेमाल हो सकता है उसकी भी कोई ना कोई माइनस ही सेल प्राइस होगी, वो आपकी बाय प्रोडक्ट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होती है। जॉइंट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट जो इंटेंशनली आप बना रहे होते हैं और बाय प्रोडक्ट वो है जो बाय द वे बन जाती है। इसमें जो डिफरेंस होता है सबसे बड़ा वही होता है कि आपकी जो सेल प्राइस है वो किसकी ज्यादा है, यानी जिस प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू होगी ना वो आपकी बाय प्रोडक्ट होगी, और जिस प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट होगी वो आपकी बाय प्रोडक्ट है, यानी सिग्निफिकेंट वाली जॉइंट प्रोडक्ट और इनसिग्निफिकेंट वाली बाय प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपका ये प्रोसेस है जिसमें से तीन प्रोडक्ट्स आपकी निकली हैं ए बी और सी, ये वो पॉइंट है जहां पे आके वो तीनों अलग अलग से आइडेंटिफाई हुई, उस पॉइंट को हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहां पे आपकी प्रोडक्ट्स में वो स्प्लिट होके अलग अलग से आइडेंटिफाई होगी। उसमें जो ए है लेट से उसकी आपकी टोटल यू गॉट 5,000 यूनिट्स, ठीक है जी। बी में जो आपको मिली वो मिली लेट से 12,000 यूनिट्स, और सी में आपको मिली 55,000 यूनिट्स, ठीक है। ये आपकी तीन प्रोडक्ट्स हैं। अभी तक हमें नहीं पता कि इसमें से कौन सी बाय प्रोडक्ट है कौन सी जॉइंट प्रोडक्ट है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं पहले इनकी यहाँ पे
सेल प्राइस ले लेता हूँ। तो लेट्स से कि जो सेल प्राइस है, जो प्रोडक्ट ए है उसकी सेल प्राइस है 50, प्रोडक्ट बी की सेल्स प्राइस है 40, प्रोडक्ट सी की सेल्स प्राइस है 2। अब आपको यहां से क्लियरली आइडिया हो गया है कि हमारी वो जो प्रोडक्ट सी है दैट इज एक्चुअली द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे पता चला बाय प्रोडक्ट है कि उसकी जो सेल्स वैल्यू है वो बड़ी इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो सी इज द बाय प्रोडक्ट, ए और बी जो है वो ज्वाइंट प्रोडक्ट। लेट्स से यहाँ पे हम लेते हैं जी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एफ पी सी लिख लेता हूँ मैं, एफ पी सी स्टैंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। कि जो प्रोडक्ट ए है आपको उस पे मजीद लेट्स से 15 pounds लगाने हैं तो तब जाके वो 15.50 की बिकेगी। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है कि जितनी अब तक कॉस्ट उन पे आ चुकी है उसके बाद आपको अब प्रोडक्ट ए को मजीद 15 pounds लगा के प्रोसेस करना है तो वो 50 की बिकेगी, जबकि जो प्रोडक्ट बी है इस पे मजीद कोई प्रोसेस नहीं करना। ये जब जिस कंडीशन में प्रोसेस से आउट हुई है इसी कंडीशन में ये 40 rupees की बिक सकती है या $40 पर यूनिट बिक सकती है। तो इससे आपको कैलकुलेट आप कर सकते हैं इसकी NRV, दैट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसकी हो जाएगी प्रोडक्ट ए की 35, प्रोडक्ट बी की NRV भी 40 हो जाएगी। NRV आपको पता है कि आपकी सेल प्राइस, और अगर आपने कोई उस सेल प्राइस को अचीव करने के लिए मजीद प्रोसेस करना है तो वो माइनस कर दो तो जो नेट हमें बचेगा दैट इज आर NRV। यानी प्रोडक्ट ए जो है उस पर 15 लगाऊंगा तो 50 की बिकेगी, तो इफेक्टिवली तो मुझे 35 बचेंगे। प्रोडक्ट बी जो है वो मैं अब मजीद कुछ नहीं लगाना, 40 की बिक सकती। ये तो हो गई NRV या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन, नॉर्मली क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। हम ये बात करते हैं कि लेट से स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक आप यहाँ पे इस पे टोटल लेट से $350,000 कॉस्ट जो है वो इनकर कर चुके हैं, $350,000 कॉस्ट आप यहाँ तक लगा चुके हैं इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इस 350,000 को हम कहते हैं इट्स अ कॉमन कॉस्ट। ठीक है, कॉमन कॉस्ट से मुराद कि ये इन तमाम प्रोडक्ट्स को बनाने पे लगी है। हमने करना क्या है कि इस कॉमन कॉस्ट को स्प्लिट करना है, शेयर करना है अमंग जॉइंट प्रोडक्ट्स ओनली, जॉइंट प्रोडक्ट्स ओनली, याद रखिएगा बाय प्रोडक्ट नहीं। तो ऐसा करते हैं कि पहले बाय प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि उसका हम क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे। वो बाय डिफॉल्ट उसकी जो ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, दैट इज सेल, सेल इट एंड डिडक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम कॉमन कॉस्ट। अपॉर्शन the reduced cost on joint products, ठीक है, ये उसकी एक by default treatment है। ठीक है, वो क्या है, अगर question में कुछ ना कहे तो आपने ये काम करना है कि आपने सबसे पहले जो by product है ना उसको बेच देना, बेच के जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से आपने अपनी common cost को reduce कर देना, और जो reduced cost होगी वो फिर आपने A और B यानी joint products पे share करना। ये है इसकी डिफॉल्ट ट्रीटमेंट। दूसरे नंबर पे क्या इसके साथ किया जा सकता है कि इंक्लूड द रेवेन्यू इन मेन प्रोडक्ट्स, कि जो कॉमन कॉस्ट का बेच के आपको पैसे मिलते हैं उसका रेवेन्यू आप अपनी मेन प्रोडक्ट के रेवेन्यू में शामिल कर दें, ऐड अप कर दें। यानी टोटल रेवेन्यू ए और बी का आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए तो 5500 इंटू 2 करके ये रेवेन्यू भी आप अपना उसमें शामिल कर लो, 1,10,000। ठीक है, तो इन दिस केस जब आपने कॉस्ट शेयर करनी है, ये जो 350,000 कॉस्ट है ये ए और बी पे ही जाएगी हर सूरत में, लेकिन अब रिड्यूस नहीं होगी, अब पूरी की पूरी 350,000 ए और बी पे शेयर। तीसरी ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि शो
द रेवेन्यू ऑफ वाई प्रोडक्ट एज सेपरेट लाइन आइटम। तीसरा तरीका आप ये कर लो कि आप इसको ना तो अपनी कॉस्ट से रिड्यूस करो, ना मेन रेवेन्यू में शामिल करो, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक अलग से लाइन लिख दो, रेवेन्यू फ्रॉम बाय प्रोडक्ट, ठीक है, उसको कहते हैं शोइंग द आइटम एज अ सेपरेट लाइन आइटम। ये तीन उसकी ट्रीटमेंट होती हैं। नॉर्मली वो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता तो मतलब जो ट्रीटमेंट नंबर वन है आपने वो करनी है। आपने सबसे पहले बाय प्रोडक्ट को बेचना है, बेच के उससे जो कॉस्ट आएगी उससे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेना, तो जो रिड्यूस्ड कॉस्ट है वो फिर आपने माइनस करनी है, सॉरी शेयर करनी है जॉइंट प्रोडक्ट। तो ये होगी ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब है ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कॉस्ट। एक कॉमन कॉस्ट जो है उसको हम किस तरीके से शेयर करते हैं, या मैं उसको वर्ड यूज करूंगा अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? द कॉस्ट अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी जो आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट है वहां तक आते आते जो आपकी कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड द कॉमन कॉस्ट। उसको अब आपने शेयर करना है अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि आपकी जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। उसको शेयर करने के मल्टीपल मेथड्स हैं और वो मेथड क्वेश्चन में आपको बताएगा। सबसे पहला मेथड दैट इज फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मेथड में आप क्या करते हैं कि आप अपनी कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स पे अपॉर्शन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मेथड का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, दैट इज टोटल कॉस्ट टू बी अपॉर्शन, यानी जो कॉस्ट आपने अपॉर्शन करनी है वो ले लो, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइड टोटल यूनिट से कर दो और मल्टीप्लाइड बाई इसको हम मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल यूनिट्स। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला जो अपॉर्शनमेंट का हमने पढ़ा था ना, ठीक है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है कि टोटल कॉस्ट जो आपने अपॉर्शन करनी है वो डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स ले रहा हूँ दोनों की, और प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ए कर। मिसाल के तौर पे मैं अब यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कॉस्ट जो है वो देखूंगा कि मेरी कॉस्ट कितनी है जो मैंने अपॉर्शन करनी है। उसके लिए मैं लेता हूँ टोटल कॉमन कॉस्ट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3,50,000, ये आपकी टोटल कॉमन कॉस्ट है, लेस रेवेन्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट बेच के आप अपना रेवेन्यू उसमें से माइनस करो, ठीक है, और वो कितना होगा, 1,10,000, क्योंकि 55,000 यूनिट्स हैं प्रोडक्ट सी की, दो से मल्टीप्लाई करोगी करोगे तो वो 1,10,000 आ जाएगी। तो यहां से आपकी निकल आएगी कॉस्ट टू बी अपॉर्शन, कितनी कॉस्ट है जिसको हमने अपॉर्शन करना है, दैट इज ऑब्वियसली 2,40,000, 2,40,000 है कॉस्ट आपकी जिसको आपने अपॉर्शन करना है। नाउ दिस इज कॉस्ट टू बी अपॉर्शन। ये मैंने आपको बताया कि अगर वो बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट ना बताए तो बाय डिफॉल्ट इसकी ये ट्रीटमेंट है, बाय प्रोडक्ट तो आपने बेचना है और बेच के आपने उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेना है और रिड्यूस्ड कॉस्ट को आपने फिर शेयर करना है। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी मेथड पे, कॉस्ट को हम शेयर करते हैं, टोटल कॉस्ट टू बी अपॉर्शन इज 2,40,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वो 5 और 12, 17,000, तो डिवाइडेड बाई कर देते हैं 17,000, मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट ए से पहले, तो प्रोडक्ट ए की यूनिट्स हैं 5,000, तो ये जो कॉस्ट आपकी निकल आएगी दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, कितनी निकलती है ये 240 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई
5,000. This is 70,588. 70,588. ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी किसकी? प्रोडक्ट ए की, ठीक है जी। उसके बाद आपने प्रोडक्ट बी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसका भी वही मेथड है कि 240,000 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 करेंगे तो वो आपकी कॉस्ट निकल आ जाएगी। वो कितनी आएगी आपकी, माइनस कर देते हैं हम 240,000 क्योंकि टोटल इतनी ही है, तो 169,412 ये आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट बी पे आ जाएगी, ठीक है। दोनों को ऐड करके टोटल कर लो, दिस मस्ट इक्वल टू द 2,45,000 जो आपकी कॉस्ट। यानी आपने इसको सिंपली फिजिकल क्वांटिटी की बेस पे पोर्शन कर दिया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 5,000 करेंगे तो ए की कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 12,000 करेंगे तो बी पे कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। कॉस्ट शेयर होगी। अब आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो ए की कैसे निकालोगे? 70,588 डिवाइडेड बाई 5,000, ये ए पे कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ ए की कॉस्ट निकल आएगी। इसी तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 12,000 जो है बी की, वो से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट बी की निकल आएगी। आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी प्रॉफिट कैसे है कि ए का रेवेन्यू कितना है, 50 × 5,000, सेल प्राइस उसकी 50 है, रेवेन्यू उसका टोटल यूनिट्स 5,000 है, तो 5,000 × 50 ये टोटल रेवेन्यू माइनस उसकी कॉस्ट, ये प्रॉफिट आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 5,000 करोगे तो प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे है कि वो आपसे टोटल कॉस्ट ऑफ ए पूछ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट ए पूछ रहा है, प्रॉफिट पर यूनिट ए पूछ रहा है या बी किसका पूछ रहा है। यू कैन इजीली कैलकुलेट। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछो, एनी इशू। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट मेथड, ये एक मेथड हो गया जिसको हमने कहा था, ये फिजिकल क्वांटिटी मेथड है जिसकी बेस पे आप कैलकुलेट करते हो अपनी कॉस्ट। दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं सेल्स वैल्यू मेथड। सेल्स वैल्यू मेथड में आप क्या करते हो कि टोटल कॉस्ट टू बी अपॉर्शन्ड डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स की बजाय आप टोटल सेल्स वैल्यू ले लेते हो, डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स वैल्यू, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाइड भी आप करते हो फिर इंडिविजुअल सेल्स वैल्यू से। अब फॉर्मूला ये हो जाएगा सिंपली, ठीक है। कॉस्ट टू बी अपॉर्शन्ड वो तो वही है, वो तो वैसे ही कैलकुलेट होगी जैसे पहले होती है कि आपने कॉमन कॉस्ट में से अपनी बाय प्रोडक्ट की जो रेवेन्यू है वो माइनस कर लेना है अगर उसने आपको कोई और उसकी ट्रीटमेंट नहीं की। अगर कोई और ट्रीटमेंट है तो फिर इसका मतलब है हम अपने 3,50,000 को ही अपॉर्शन करेंगे। कॉस्ट टू बी अपॉर्शन 2,40,000, अब डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स वैल्यू लेंगे। टोटल सेल्स वैल्यू कितनी है? देखो एक यूनिट की 50 है प्रोडक्ट ए की, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2,50,000, 50 × 5,000, 2,50,000 ए की हो जाएगी और 4,80,000 बी की हो जाएगी, ठीक है जी। 2,50 + 480 टोटल सेल्स वैल्यू इज 730। हम क्या करेंगे, यहां से हम डिवाइडेड बाई कर देंगे 7,30,000, ठीक है जी। 7,30,000 से जब हम डिवाइड कर देंगे और इंडिविजुअल कॉस्ट जब हमने ए की मल्टीप्लाई करनी, ए की कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे ए की सेल्स वैल्यू लिख देंगे विच इज 250,000, ठीक है जी। यानी टोटल कॉस्ट टू बी अपॉर्शन वो वही है 2,40,000 डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स वैल्यू लेंगे। टोटल सेल्स वैल्यू कैसे होगी? सेल्स टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ ए प्लस टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ बी, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा 7,30,000। तो जब आप कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर रेवेन्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल रेवेन्यू करोगे तो आपकी कॉस्ट शेयर हो जाएगी। जाहिर है अब आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको आंसर कितना आ जाएगा? 240 डिवाइडेड बाई 730 मल्टीप्लाइड बाई 250,000, 82,192। अब जो कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट ए की आ जाएगी छोड़ दो यार लिखे,
82,192 वुड बी द कॉस्ट, ठीक है। तो वो कॉस्ट आपकी चेंज हो जाएगी यहाँ पे इसी तरीके से। बाकी कॉस्ट आप प्रोडक्ट बी की निकालनी है तो उसका तरीका वही है कि 2,40,000 डिवाइडेड बाई 7,30,000 इंटू उसकी वैल्यू है 4,80,000, ठीक है जी। अब आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी, जाहिर है तो कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो जाएगी। तो क्वेश्चन में बताएगा कि मेथड कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो ये जो आपका मेथड है दिस इज कॉल्ड सेल्स वैल्यू मेथड। जो तीसरा मेथड है जो यूज होता है उसको हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, दैट इज कॉल्ड एनआरवी मेथड। उस पे आपने क्या करना है, अगेन टोटल कॉस्ट टू पे पोर्शन सेम रहेगी डिवाइडेड बाई टोटल एनआरवी दे देना। अब उसके लिए आपको पहले टोटल एनआरवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट टू बी पोर्शन डिवाइडेड बाई टोटल एनआरवी एंड मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल एनआरवी। इंडिविजुअल नेट रिजल्ट, अब आप देखो आपकी एनआरवी पर यूनिट 35 है तो उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे उतना भी आता है ये, इसकी एनआरवी आ जाएगी। और प्रोडक्ट बी की एनआरवी उतनी ही है जितनी सेल्स प्राइस है, क्योंकि इसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, ठीक है। वो 4,80,000 ही आएगी। और प्रोडक्ट ए की एनआरवी कितनी आ जाएगी, 55,000 मल्टीप्लाइड बाई 35, 1,75,000 प्लस 4,80,000, ये टोटल एनआरवी आ गई 655,000। अब आप क्या करोगे, 240,000 डिवाइडेड बाई 655 टोटल एनआरवी मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअल एनआरवी। जिस प्रोडक्ट की आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है उसकी इंडिविजुअल एनआरवी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। यानी ये तीन मेथड्स हैं कॉस्ट को शेयर करने की। अगर सेल्स वाली फिजिकल क्वांटिटी मेथड कहता है तो जो बेस यूज करनी है अपॉर्शन करने के लिए वो नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर वो सेल्स वैल्यू मेथड कहता है तो जो बेस यूज करनी है वो सेल्स वैल्यू। और अगर वो एनआरवी मेथड कहता है तो जो बेस यूज करनी है वो आपने एनआरवी यूज करनी है। तो जिस बेस पे कॉस्ट डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई इंडिविजुअल के लिए फिर उसी बेस से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू इन अपॉर्शनमेंट जो हमने शुरू में भी।